क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आप बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी प्रजाति के रह सकते हो। बस आपको एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और कुछ नहीं। पूरे दुनिया में कहीं से भी हो, यहाँ पे आके रह सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि यह जगह सबका है। अगर आप अपनी जिंदगी पीसफुल से गुजारना चाहते हो तो यहाँ पे आके रह सकते हो। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ के लोग इस दुनिया से नहीं मिलते, जहाँ आपको बहुत सारी शांति मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि ऑरोविल क्या है। सो हे गाइस, वनकम काले, वनकम फ्रॉम पुदुचेरी। सो आज हम लोग हैं पुदुचेरी में। दिस इज डे 3 ऑफ आवर पुदुचेरी सीरीज। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे लाइक ऑरोविल जाएंगे। यहाँ से ऑरोविल जाके वहाँ से सीधा जाएंगे चेन्नई। चेन्नई में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर, मतलब हैदराबाद चले जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग अपना रूम जो हम स्टे कर रहे थे। सो इट इज़ अ डिसेंट रूम विद डिसेंट फैसिलिटीज, सब कुछ अच्छा था। ये अपना मेसी मेसी टेबल्स एंड बेड्स देख सकते हो आप लोग, ये तो कॉमन है। यहाँ पे इन लोगों ने बालकनी भी दिया हुआ है जहाँ से नेशनल फ्लैग दिखता है वहाँ पे। एंड वो आगे यहाँ पे होता है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे एक दिक्कत जो है वो है विच इज़ लाइक देर इज़ नो पार्किंग। कहाँ कहीं पे भी जाओ यहाँ पे नो पार्किंग, यहाँ पे ऐसे ही पार्क करना पड़ता है। तो थोड़ा सेफली पार्क करना एंड इवन कार्स के लिए भी यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है। सो चूज़ अकॉर्डिंगली। सो मिलते हैं, अभी बाइक पे जाके आपसे बात करता हूँ। ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑरोविले। तो बेसिकली प्लान ये है कि अभी हम लोग ऑरोविल जा रहे हैं। ऑरोविल मेरे ख्याल से तमिलनाडु का हिस्सा है, नॉट द पार्ट ऑफ द पांडिचेरी। सो पांडिचेरी में पेट्रोल फिल अप करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 96 रुपीस है, द चीपेस्ट। ऑरोविल यहाँ से 12 किलोमीटर्स अप्रॉक्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन ऑफ पांडिचेरी, इट इज़ 14 किलोमीटर्स। ओके सो अभी अपन यहाँ पे फ्यूल अप करवाएंगे। सो आप लोग देख सकते हो 96.14 रुपीस है यहाँ पे। फुल फुल है ना? कार्ड पेटीएम, फोन पे पुट देना, फोन पे। स्लो है ना? स्लो। ओके तो फिल अप कर लिया है, 900 रुपीज़ में फुल हो गया अपनी। ओके गाइस, सो हम लोग अभी पांडिचेरी के बाहर आ चुके हैं। दिस इज़ द टोल गेट ऑफ पांडिचेरी। सो ऑरोविले जाना है तो आपको बाहर ही आना पड़ेगा, पांडिचेरी के बाहर आके फिर आगे से राइट लेना पड़ेगा यहाँ से। ओके सो वहाँ पे एक ग्लोब दिख रहा है ना, दैट इज़ ऑरोविल। तो दिस इज ऑरोविल मंत्री मंदिर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं ऑरोविल। सो यहाँ पे पार्किंग रहता है, ऑरोविल है मंत्री मंदिर विजिटर्स पार्किंग। सो यहाँ यहीं से शुरू आता है ऑरोविल। आपको यहाँ पे बाइक पार्क करना चाहिए, टू व्हीलर पार्किंग 20 रुपीज़। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोगों को पार्क करना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वॉकिंग भी होगा थोड़ा सा। सो
सो यहाँ पे ऐसे पार्क करके आप लोग जा सकते हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पार्किंग करके आ चुके हैं यहाँ पे। दिस इज़ द वे टू विजिटर सेंटर। विजिटर सेंटर्स में हम लोग को अंदर नहीं अलाउ करेंगे, शायद बाहर से ही देखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फॉरेनर्स भी दिखते हैं बहुत सारे। यहाँ पे पूरा मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, यू कैन एक्सप्लोर हियर। सो ये देख सकते हो आप लोग, ये बना है 1968 का बोर्ड है। अभी 55 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑरविल को, जर्नी ऑफ ऑरविल सिटी फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है श्री ऑरोबिंदो एंड मदर्स वर्क ऑन इंटीग्रल योगा एट द श्री ऑरोबिंदो आश्रम। ऑल लाइफ इज योगा, क्रिएशन ऑफ ऑरविल, द मदर गिव्स ऑरविल इट्स कैरेक्टर। ओके, ये एटलीस्ट 1968 जब बना था ये, तब का है। जर्मनी, फ्रांस, सब लोग यहाँ कहीं कैसे भी आके यहाँ पे रहते थे। फर्स्ट पियोनियर्स अराइवल, सो ये थे पहले फॉरेनर्स जो आए थे। एंड 1971 मतलब इन लोगों ने ये 5 ईयर्स का गैप लेके सब कुछ फोटोज रखा है। गोइंग डाउन इनटू मैटर, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिगिंग किया गया था ताकि ये लोग मंदिर बन सके यहाँ पे। नाइस, जल्दी वहाँ से हटो। सो दिस इज ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर, ऑरोविल बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज होल। ओके, ऑरोविल किसी का नहीं है, ये सबका है, कोई भी आके रह सकता है यहाँ पे। रिकॉग्निशन ऑफ ऑरोविल थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रूम है, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री रखी है। क्रैडल ऑफ न्यू वर्ल्ड, मतलब इन लोगों ने कैसे यहाँ पे आके पूरा सब कुछ फॉर्मेशन किया था, सब कुछ लिखा हुआ है। द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। ओके, सो ये वहाँ की ऑरोविल का रेप्लिका है, इसके अंदर ऐसे दिखता हुआ। अपने को तो अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, तो यहीं से देख लेते हैं। वहाँ अंदर इनका कुछ टोम वगैरह रखा हुआ है शायद। यहाँ पे नीचे भी इसका आर्किटेक्चर कुछ अलग ही बना हुआ है, इसलिए इन्होंने रेप्लिकेट किया है। ये ऐसे दिखता है, तो बढ़िया दिख रहा है। ये लोग ऐसे बॉनफायर जला के सिग्निफाई करते हैं कि सब लोग एक हैं। एंड यहाँ पे द हेलियोस्टैट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द मैन मंत्री मंदिर रिफ्लेक्ट्स रे ऑफ सनलाइट। अच्छा, तो सनलाइट जो पड़ती है वो सीधा नीचे रिफ्लेक्ट करती है इनटू द चैम्बर टू टच द क्रिस्टल at the center, the rays travel straight down through the different levels of structure to touch the lotus pond below, completing the link between the spirit and matter. So यहाँ पे बीच में एक लोटस पॉन्ड है, पूरा सनरे ऊपर से आएगा, वो उसको टच करेगा एंड देन नीचे जाएगा। सो इट विल सिग्निफाई सम एनर्जी, थोड़ी ऊर्जा आएगी उसमें। तो ये अंदर के नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर हम आई डोंट थिंक सो कि अंदर अलाउ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। सो दिस इज़ द मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ऑरोविल मंत्री मंदिर। सो इतना बड़ा होता है, वहाँ पे बीच में होती है मंदिर, ये सब कुछ होता है मेडिटेशन एरिया। फ्लावर्स आर द प्रेयर्स ऑफ वेजिटल किंगडम। सो फ्लावर को ये लोग पीस मानते हैं, मतलब लोटस को ये पीस मानते हैं। सो इसीलिए इन्होंने नीचे एक लोटस रखा हुआ है। ओके, सो ये देख सकते हो, ये है मिस्टर श्री ऑरोबिंदो लाइफ स्केच। ये द डॉन ऑफ ऑरोविल, मतलब दिस इज़ द परमानेंट फोटोग्राफ, पहला जो रखा गया था वो यही है। सो ये है ऑरोविल का मैप यहाँ पे। अभी हम लोग हैं शायद मेरे ख्याल से साचू, यस यू आर हियर, मतलब साचू हम लोग हैं एक। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैफेटेरियाज भी दिख जाते हैं आपको, आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो।
एंड ये है यहाँ का आर्ट म्यूज़ियम। 50 रुपीस एंट्री टिकट लेके जाना पड़ता है, इसमें इनका आर्ट एंड कल्चर सब कुछ दिखाया गया है। तो ये देख सकते हो काला केंद्रा आर्ट गैलरी। तो इन्होंने यहाँ पे इनका सब कुछ आर्ट एंड इनके डिज़ाइन, इनके आर्किटेक्चर सब कुछ जो होते हैं इनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो डॉन ऑफ बोरेवली सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ रखा गया है। एंड उस जमाने में जो फॉरेनर्स आते थे उनके साथ कैसा आर्ट एंड कल्चर होता था सब कुछ है यहाँ पे, कैसे ये लोग योगास परफॉर्म करते थे। एंड ये देख सकते हो बहुत सारे फ्रेम्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये प्लेट्स में कुछ पेंटिंग्स करके रखा हुआ है। एंड ये देखो एरियल व्यू ऑफ द मंत्री मंदिर ऑफ ओरोविल, ये ऊपर से ऐसे दिखता है, मतलब इतना वाइड होता है मंत्री मंदिर, मतलब इसके रेडियस में सब कुछ एक लोटस पॉन्ड है, उस लोटस पॉन्ड के जरिए आपको एनर्जी मिलेगी। एंड यहाँ पे इन्होंने उस जमाने का फुटेज रखा हुआ है ताकि हिस्ट्री का नॉलेज ले सके। तो ये देख सकते हो द ओरिजिनल मीरा अल्फाजा, वो जब आई थी जैसे फाउंड किया जैसे सब कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री बना के रखा हुआ है, आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। ओवरऑल सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस आर्ट म्यूजियम में, आप ज़रूर विजिट करना। 50 रुपीज़ में क्या जाएगा, एक और भी मिल जाएगा आपको 50 रुपीज़ में आर्ट गैलरी के साथ। एक इंडियन स्पेस बोल के इनका कुछ है, वहीं पे भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बहुत ही अच्छा है, मतलब अमेजिंग पेंटिंग्स है यहाँ पे, अमेजिंग स्ट्रक्चरल्स है, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इट विल बी वर्थ इट। आर्ट्स देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं इंडिया स्पेस, एक अलग सा सेक्शन रखा गया है इंडिया स्पेस बोल के। यहाँ पे ये लोग सिग्निफाई करना चाहते हैं कि इनका भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, इनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इनके मतलब मटेरियलिस्टिक डिज़ाइन से अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे सेंटर में होता है मंत्री मंदिर, एंड पूरा रेडियस में जो होता है वो होता है ओरोविल विलेज। यहाँ पे सारे फॉरेनर्स यहाँ के लोग सब लोग रहते हैं। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इन लोगों ने ओरोविल का पूरा डिज़ाइंस को ना एक मिनिएचर रेप्लिका बना के रखा हुआ है, जैसे इनका टाउन हॉल का रेप्लिका, इनके मंदिर्स के रेप्लिका, इनका मंत्री मंदिर का रेप्लिका, इनका फाउंडेशन के रेप्लिका, सब कुछ इन्होंने बना के रखा हुआ है। Although this is also a good place to explore, बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं आर्ट फॉर लैंड, मतलब इन लोगों ने पेड़ पौधों के साथ भी कुछ आर्ट किया हुआ है। ये देख सकते हो कितने सुंदर पेड़ हैं, इस पेड़ में भी कुछ आर्ट बना दिया है इन लोगों ने, बढ़िया लग रहा है, नाइस। तो ये जो देख रहे हो आप लोग ये है एक मेडिटेशन हॉल, यहाँ पे जाके आप शांति से बैठ सकते हो, शांति से मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये बहुत ये जो हॉल है ये नेचर से भरा हुआ है, इसके आसपास सब नेचर है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाएंगे आपको, जैसे कि वीडियोस में देखते होगे ना, जैसे मेडिटेटिव बॉल्स रहते हैं, सैंडलवुड के बॉल्स रहते हैं, वो सब कुछ यही है। वाओ, इज़न्ट इट अमेजिंग। तो अभी इसको ध्यान से देखो, ये है यूनिवर्सल अर्थन वॉल, मतलब एक ज़मीन के अंदर इतने सारे लेयर्स रहते हैं, इतना सारा इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रहता है, कितनी अच्छी तरह से विजुअलाइज किया गया है इन लोगों ने।
यहाँ पे लिटरली आप लोग देख सकते हो फॉरिनर्स जो है अपने इंडियन बाइक्स पे पैशन प्रो पे स्प्लेंडर पे ये लोग कितनी अच्छे से राइड कर रहे हैं। ये देखो, ओ भाई यार, ये तो कई के फॉरिनर्स नहीं लग रहे यार। मतलब घुल मिल गए ये लोग इंडियंस के साथ। नाइस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को देखने का मौका मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। एक्सेल, तो ये एक बड़ा सा बनियन ट्री है जो वाइडली स्प्रेड हो चुका है। इट्स रियली गुड टू वॉच। ओके गाइस, तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट और भी मंत्री मंदिर के पास पहुंच गए हैं। सो आप देख सकते हो राउंड राउंड ग्लोब की तरह दिख रहा है ना, वही है, यही तक आलो होगा शायद मेरे ख्याल से। बढ़िया भाई, देख सकते हो वही है मंत्री मंदिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अरवली मंत्री मंदिर। सो आप देख सकते हो ये पीछे जो दिख रहा है वही है मंत्री मंदिर, हमको यहीं तक ही अलो किया गया है। सो यही से देख के जाना पड़ेगा। इट लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमको अलो नहीं कर रहे हैं। तो आगे इसके आगे जो रहता है वो है द अरवली विलेज। तो वहाँ पे फॉरेनर्स एंड सब लोग रहते हैं। तो यहाँ से इसको विजिट करके थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप लोग वापस जा सकते हो। ओके गाइस, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आप लोगों को, जितना मुझे पता है उतना बताऊँगा। सो अरवली को सिटी ऑफ डाउन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका पर्पज़ है टू रियलाइज द ह्यूमन यूनिटी। मतलब यहाँ पे सब लोग एक ही है, वर्ल्ड में कहीं से भी आओ तो यहाँ पे रह सकते हो। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप था। सो इसका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब अरवली का, नॉट द टेम्पल बट द अरवली कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1968 में। सो जो फाउंड किया था वो थे मीरा अल्फाजा। सो इसे डिज़ाइन किया गया था रॉजर एंगर, कहीं पर भी देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर ना अरवली को फॉर्म किए हुए पता है कितने दिन हो गए, 55 ईयर्स हो गए, स्ट्रेट 55 ईयर्स हो गए। ये लोग 50 ईयर्स का जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली जो होता है वो कर चुके हैं। अभी एक्चुअली 55 ईयर्स हुए, 2018 में जो था 50 ईयर्स हो गए थे, अभी 55 ईयर्स है। तो अगर वहाँ तक जाने देते ना तो बहुत ही अच्छा विजुअल्स आते यार। इट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे पड़ा है कि लाइक यहाँ पे मंदिर के चारों ओर एक लेक है, लेक बना रहे हैं लोग ताकि नॉइस ना आए और वो लोग पीसफुल से सब कुछ एंजॉय, मतलब सब कुछ पीसफुल से मेडिटेट कर सके। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ अरवल। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता है अरवल के बारे में मुझसे ज़्यादा, तो कमेंट कर दो गाइस। ओके,
ओके, तो अभी हम लोग मतलब पूरा फॉरेस्ट के एरिया से जा रहे हैं। ये एग्जिट वे है मंदिर के पास से। बहुत ही ज़्यादा हीट है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हीट। टेक अ वाटर बॉटल एंड सम रिफ्रेशमेंट्स व्हेन यू आर कमिंग हियर। ओके, तो आप ज़रूर थक जाओगे यहाँ पे आते आते, तो आप ऐसे रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो। यहाँ पे कोकोनट वाटर बॉटल सब सब कुछ मिल रहा है। इसको कुछ भी लेके स्नैक्स लेके जा सकते हो। एंड फ्रेश कोकोनट वाटर, भाई दिस इज़ मच नीडेड हियर। ओह माय गॉड, अभी चलते हैं हम लोग चेन्नई के लिए निकलते हैं। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय, लेट मी एंजॉय दिस।